कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चावलों से बहुत ही बढ़िया और टेस्टी रेसिपी। चलिए मैं आपको इसके कुछ सामान बताती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल में उबले हुए चावल, चाहे वो एक दिन पहले का हो और चाहे वो आप ताजे बॉइल कर लें। हमने चावलों को एक कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, जो मैंने भिगो के और मैंने उसको उबलने को रख दिया था। फिर हमें चाहिए हरा धनिया, उसके बाद हमें चाहिए दो नींबू, उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक और मेन है कड़ी पत्ता। हमें चाहिए 5 से 6 हरी मिर्च कटी हुई, इससे बहुत अच्छा तीखा बनाता है। अब हमें चाहिए एक कटोरी मूंगफली, जीरा, लाल साबुत मिर्च, राई, हल्दी पाउडर, चना दाल, उड़द दाल, हींग, तेल, नमक। हमने गैस पे एक पैन रखा है। अब हमने एक पैन में तेल डाल दिया है। हाई फ्लेम पे जब हमारा तेल गर्म हो जाए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम डालेंगे 1 टीस्पून राई। राई अच्छे से चटकने लगे तो हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जब जीरा और राई अच्छे से चटक जाए तो हम डालेंगे 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल। हम डालेंगे 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, डालेंगे हम जो हरी मिर्च हमने कट कर कर रखे थे। फिर हम डालेंगे अदरक, फिर हम डालेंगे कड़ी पत्ता, हींग। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। ध्यान रहे जब तक हमें इसे चलाना है, जब तक चना दाल और उड़द अच्छे से इसमें भून ना जाए, क्योंकि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसमें डालेंगे मूंगफली, जब हमारे सब कुछ मिक्स हो जाए तब डालेंगे मूंगफली। इसे हम अच्छे से चलाएंगे जब तक हमारी मूंगफली खूब अच्छे से भून ना जाए। फिर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर हम इसे अच्छे से मैश करेंगे जब तक ये सुनहरा भून ना जाए। अब हम इसमें डाला है हमने थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब हम लास्ट में डालेंगे जो हमारे उबले हुए चावल थे। हम इसे अच्छे से चलाएंगे। नमक डालेंगे हम 1 से 1.5 स्पून, मैंने इसमें 1.5 स्पून से थोड़ा सा कम नमक डाला है। देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आ गया। अब हम इस पे डालेंगे लेमन जूस जो हमने निकाला था, कि इसका नाम ही है लेमन राई। आप एक बार जरूर अपने घर पे बना के देखिएगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से अपने घर के बर्तन में, अपने घर के सामान से मैं ये सारी रेसिपियाँ बनाती हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार घर पे अपने ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए हमारा कितना परफेक्ट बन के रेडी हो गया। लास्ट में हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी। घी से बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सच में बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बना। आप इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। सब ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है, और इसे एक बार जरूर ट्राई करें और खाएं। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके मैसेज करके बताएं कि आपको लेमन राइस कैसा लगा और मैं नेक्स्ट वीडियो अब कौन सी रेसिपी बनाऊं। अब हम हरी धनिया से गार्निश करेंगे। देखिए गाइस बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है सच में। आप इसे एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करें। और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं चैनल पे नई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं आए वो आप तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।